प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक चेकिंग अभियान के दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी गंगानगर के निर्देश पर हंडिया कोतवाल ब्रिज किशोर गौतम ने अपने पुलिस बल के साथ मिलकर रात के अंधेरे में सक्रियता दिखाई और चेकिंग अभियान चलाया। रात लगभग 2 बजे पुलिस ने 4 संदिग्ध व्यक्तियों को 2 मोटरसाइकिल पर आते देखा। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका, चारों लोग गाड़ी छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग हाल ही में चोरी हुई एक अपाचे और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दूसरी जगह चोरी करने जा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्त हैं फिरदौस पुत्र शब्बीर, कार्तिकेय सिंह पुत्र अरण्य कुमार सिंह, सूरजपाल पुत्र राधेश्याम और पंकज सिंह पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह। इन सभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और इनसे एक अपाचे और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। इस बीच हंडिया पुलिस ने भीटी बॉर्डर पर एक अन्य बाइक सवार को रोका। इस व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस को देखा, वो भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह संजय भारतिया था, जो पिछले दिनों बरौत में हुई लूट में शामिल था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद लूट का मोबाइल, नकद रुपए और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की। एसीपी हंडिया पंकज लवानिया ने कहा, ये लोग एक संगठित गैंग से जुड़े हुए हैं और अभी भी उनके कुछ सदस्य गिरफ्तार होने बाकी हैं। हम जल्द ही उन्हें भी पकड़ेंगे।